गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या अभी तो नहीं थी लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हाँ हमें हाँ, क्या है ये? What? क्या है ये? क्यों है ये? कैसे है? अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? ये आवाज कितनी मस्त है यार। हेलो जी, हेलो हांडा की जनता, एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडियन कार्टून्स फीचरिंग चाइल्डहुड मेमोरीज। जी आप लोगों को बता दूं कि मैं भी मेरे YouTube चैनल पे लाइव हूं और मेरे ही चैट पे मेरे ही आंडा की जनता ने कहा है कि भाई प्लीज वॉच दिस वीडियो, और मैं आज तक ये कभी भी चैनल नहीं देखा और इस चैनल का नाम है नॉट योर टाइप। सो आई एम वॉचिंग देयर वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बिफोर वी वॉच दिस वीडियो, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं मेरे बर्थडे से पहले मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हेल्प करेंगे टू गेट मी 5000 सब्सक्राइबर्स बिफोर माय बर्थडे। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स जस्ट वॉच दिस वीडियो, फिर बाद में बात करते हैं, आ जाओ। हेलो, तो कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज, और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है, तो जब तक वो खास चीज आ रही है तुम इस वीडियो का मजा उठाओ। ओके ओए पापे, ये देख, अभी रुक, बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं कि निप्पल मार ओढ़ दूं? नहीं नहीं, हम लोग विलन्स हैं, राक्षस थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है मैं यही करता हूँ, ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। क्या वो किसी की बूंद है? क्या वो किसी की बूंद है? ठंड पे आ गई है। पापे तू मेरा हर खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है यार? वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। ओह शिट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो भाई भाई, क्रिश वाला खिलौना उसने अपनी बूंद पे ले लिया। पापे भाई, पापे इज माय फेवरेट कैरेक्टर। दोस्त देखो, मैं तुम्हारी बूंद से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की मौत मरा, ना कि ऐसे कोई अरे गहरे पाजी की बूंद में जाके। मेरे खिलौने जिंदा थे? अरे तू छोड़ ना, तू बताने क्या बता रहा था? अम्मा तुझे पता है इस डिवाइस से हम किसी भी कार्टून में टेलीपोर्ट कर सकते हैं? पापे नहीं नहीं पापे। इंडियन कार्टून फीचरिंग 90s एडिशन। बाय बाय बाय। मैंने ना बचपन में बहुत बेबलेट खेला है, बस बेबलेट की जगह मेरे पास वो लट्टू हुआ करता था और स्टेडियम की जगह कड़ाई। कार्टून में ना उनके बेबलेट आपस में खुद जाके लड़ते थे, लेकिन पता नहीं हमारे लट्टुओं में कौन सा भाईचारा होता था, ये सारे लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे। तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठ कर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। बच गया, अगर वो लट्टू मेरे सर पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। अरे नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। हाँ मैं मर चुका हूँ, लगा था वो लट्टू मेरे सर पे। बेबलेट वाले शो में ना उनके बेबलेट से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारा पांच वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख और कभी कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी। फेंक दो तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ यही दोनों थे, मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया, किधर है? ओए कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है? वो देखो चिड़िया किधर है। अरे किधर है चिड़िया? भाग गया लेके। साला हमको झूठ बोला। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि अमन ने फन भाई के छाती में थप्पड़ मारा है। साला हमको झूठ बोला। अमन तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया। अरे रूम में कैसे आएगी, किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी।
तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा है। कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो वो जा चुकी है। हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सोंटी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल, होगा मौत का खेल। अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया की बुंड में घुसा, फिर तो सोंटी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सोंटी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सोंटी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब मैं 5 साल का था, मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है कोई जस्ट, नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पे मारपीट का केस किया है। मेरा माँ बनने का सपना सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलो निकल। शॉन्टी, लाइफ में छोटे मोटे गेम नहीं खेलने का। खेलना हो तो इंडिया का अपना गेम सुपी लूडो। यहाँ पर तुम इजी इजी गेम्स खेलो। ब्रांड इंटीग्रेशन भाई, नॉट योर टाइप। तुम्हें पैसा मिलेगा ब्रांड इंटीग्रेशन का, हमें नहीं मिल रहा है भाई, हम नहीं देखेंगे। चलो ड्रैगन बॉल जी। ड्रैगन बॉल जी भाई, इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर सैयन में देखिए। गोपी, तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। नहीं, क्या है ये? क्या है ये? क्यों है ये? कैसे है? अब तो नहीं हूँ, पर अब हूँ, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? भाई, ये आवाज कितनी मस्त है यार। अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू बेटा, हमारे घर पे CID घुस आई है। हाँ, लेकिन क्यों? गोकू, मुझे तो लगता है गोपी माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या, कल तो नहीं थी? एकदम से कैसे? माँ, चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ, गोपी SCP पद्दू मंजी, बताइए पद्दू मंजी। मुझे पता चला ये आवाज काय की है। अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फिका रही है। अरे फिका रही है, पीछे डोरेमोन है। वो तो नहीं पता, लेकिन आप बताइए ना गोकू, हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं, और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है। क्या, ये सरासर झूठ है? किसने कहा है आपको? देखो गोकू, मैंने कहा ना मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर, आइए अंदर देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है। दया, दरवाजा तोड़ दो। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। डायमोन भाई, जरा इस फोटो का स्केच बनवाना, तो आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा। उसका हाथ देखो। जरा इस फोटो का स्केच बनवाना, तो आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। हम आपके लिए लाए हैं। बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? करेज द कावली डॉग को बेस्ट नाउस के विलन्स ने बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा दो। ये बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है, वो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मेरी पथरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौटा दो। Guys, we have got our super chat for $10. It is by Ajju's Bacha in our live stream.
ये कार्टून तो मस्त है बे। अरे यार अगर ऐसे ही पैसे मिल रहे हैं मुझे धड़ाधड़ तो ऐसे कार्टून्स मैं रोज देखना चाहूंगा मेरे लाइव स्ट्रीम पे। भाई तुम क्या देख रहे हो दोस्तों, आ जाओ लाइव स्ट्रीम पे फटाफट सब्सक्राइब करके चैनल को, यही सब फन मस्ती चलती रहती है हमारे इधर। डिप्रेशन में चलो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। थैंक यू अर्जुन बच्चा फॉर द सुपर चैट, लेट्स गो। पत्थर लौटा दो। ये बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है, वो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मेरी पथरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौटा दो डिप्रेशन में चला गया और अब उसे डॉक्टर हग्गड़ पदास लेंडर से थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट, अरे भूप द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर, थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट, अरे भूप द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। अजी वो क्या है कि हम करके ही डॉक्टर हग्गड़ बिल्डर, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या वो, जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अजी वो एक दिन अंकल क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है। ए बेटा ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ, वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है, मुझे तो देखी नहीं रही। एक चनकट पारूंगा अभी, पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी तेरे पीछे मम्मी। ओ ओ ऊपर है। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियाँ खरीदना था। आजकल गोलियाँ ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। कल रात में तो उन्होंने एक विंडमिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब, मैं वो वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से हगने की कोशिश कर रहा था, वो सीट गई। अच्छा बॉब द बिल्डर करके दिखाई, करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लश कर देना, मैं फिर से भूल गया। नेक्स्ट, अरे पत्थर लौटा दो, आओ आओ पत्थर लौटा। अब बस करो पत्थर लौटा दो, तुम एक काम करो ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। पापे ये कहाँ गए ये। टार्ज़न द वंडर कार, ने पुनीत सुपरस्टार, ने ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। और विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी नहीं ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है, बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। मोदी जी को देखो, मोदी जी को देखो। बुम बुम की पेंसिल नहीं, विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल पोटिया गई। अरे अरे नहीं, सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी। विमला साले क्या चीज है तू, तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा कैसरी तू। हट, बोलो सुबह कैसरी। What the fuck? तुम में से अब कौन आ रहा है। रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है, मैं नहीं जा रहा। जादू तू जा, जाना पड़ेगा तुझे, जा जल्दी जा। धूप धूप धूप। कपाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। किधर जा रहा है नीले नेवले, तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। मेरे वायर, मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट, बूम। ओ
भाई टेंटन के डर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी एक ठंडा कोला लाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोको कोला। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई भाई बहुत भाई साथ ही साथ में दूसरे भी बहुत भाई। यू हैव नेल्ड इट। तुम कौन हो? आयु भाई ये तुम्हारी वॉइस है। तुम क्रेजी आदमी हो भाई। आई लव योर चैनल। अगर तुम तक ये वीडियो कभी पहुंच जाए ना भाई, मैं फर्स्ट टाइम किसी को इतना पसंद कर रहा हूँ पहली बार देखने में ही भाई। नॉट योर टाइप, यू आर एवरीवन्स चॉइस नाउ भाई। व्हाट आई फील एंड व्हाट अ लवली वॉइस भाई भाई भाई, मजा आ गया यार। कर रहा हूँ पर मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरी बात सुनो। इस वीडियो पे लाइक मारो, अभी लाइक मारो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? देखो पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं, ठीक है? वो शायद मैं अगली वीडियो में मांगूंगा, लेकिन अभी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? अगली वीडियो में मिलता हूँ। जूपी का लिंक डिस्क्रिप्शन। जूपी को कोई नहीं डाउनलोड करेगा क्योंकि वो हमें पैसे नहीं दे रहा है। एंड यस आई हैव सब्सक्राइब टू देयर चैनल। So, ऐसा ही अतरंगी सा क्रेजी सा रिएक्शन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरे साथ रिएक्शन वीडियो देखे हैं इसका। इट वॉज भाई खतरनाक वीडियो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हंसा हूँ और मजेदार था यार ये वीडियो। एंड आई विल कीप ऑन चेकिंग देयर वीडियोस एज वेल। एंड यस गाइस, एज आई सेड कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड आई जस्ट शिट चैट विद माय हांडा की जनता। तो आप लोग भी बन सकते हो, सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को, लाइक कर दो चैनल पे, एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार इस वीडियो पे, तो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और आपके लिए रिएक्शन वीडियोस लेके आता रहा करूं। एंड यस थैंक यू सो मच अज्जूस बच्चा फॉर दी $10 का सुपर चैट। एंड आई विल सी यू गाइस अंटिल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट। अब मैं चला मेरी चैट से बातें करने। बाय। हां जी जनता, not your type is my type now. bye bye bye.